भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। इस शानदार जीत की हीरो रहे सूर्य कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार तो भारत के दिग्गज गेंदबाजों में से एक है, लेकिन युवा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रदर्शन से हर किसी को अपना मोहित बना लिया है। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में सूर्य कुमार ने 34 गेंदों में 50 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 146.06 का रहा। सूर्य कुमार यादव ने अब तक भारत के लिए 4 T20 मैच खेले हैं और उनकी 3 पारियों में उन्होंने 46.33 के औसत से 139 रन बनाए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की मध्य क्रम में एक शानदार खिलाड़ी के रूप में उभरा है। सूर्य कुमार यादव अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो उनका T20 वर्ल्ड कप में खेलना तय है। ये युवा खिलाड़ी मध्य क्रम में बल्लेबाजी करता है, ऐसे में टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ी और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर चोट की वजह से लंबे समय से क्रिकेट से बाहर है। IPL 2021 में भी वो इसी वजह से बाहर हो गए थे, तो ऐसे में अय्यर के स्थान पर सूर्य कुमार यादव की जगह पक्की लग रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप टीम में श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को शामिल करना चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।